माय चैनल, कैसे हैं आप और बच्चे लोग? कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे बिल्कुल। तो अब 2 दिन हमने खूब मस्ती मारी शादी में, और अब बस वही घोड़े और वही मैदान, वापस घर आ गए। और जो सारा फैला हुआ घर है उसको सही करेंगे। कल हमने सारे दिन रेस्ट किया, अब जो आज सेट करेंगे, जो भी फैला हुआ है, साड़ियाँ सारी फैली हुई हैं, किचन सारी फैली हुई है, तो सारे काम आज करेंगे, तो आपसे जरूर शेयर करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो घर की सारी सफाई हो चुकी है, अब किचन की थोड़ी सी सफाई करनी है और खाना भी बनाना है, क्योंकि आज बेटे के क्लिनिक में शिविर लगा है, निशुल्क जो है वो शिविर लगा है, तो निशुल्क इलाज करेगा वो डॉग्स का, तो हम वहाँ पर भी जाएंगे। तो पहले घर का काम समेट लेते हैं, पहले किचन की सफाई करूंगी, फिर खाना बनाऊंगी, चाय वाय का काम हो चुका है, और उसके बाद हम जाएंगे क्लिनिक। तो करते हैं पहले किचन का काम। तो किचन बहुत ज्यादा फैल रही है और इसको साफ करना पड़ेगा एक बार। दोबारा की चाय बना रही हूँ मैं, पढ़ने जाना है अभी शिप्रा को ऊपर, और ठीक है, कर रही है कोशिश। अब होगा या नहीं होगा सिलेक्शन वो भगवान के ऊपर है, लेकिन कोशिश कर लेनी चाहिए, तो बस कोशिश चल रही है शिप्रा की। 26 तारीख का एक्चुअली मेरा एग्जाम है मेंस का, प्री जो मैंने क्लियर किया था ना उसका मेंस का एग्जाम है 26 तारीख को, तो इस वजह से मैं अभी ब्रेक पे हूँ, घर पे ही हूँ कुछ टाइम से प्रिपरेशन के लिए। मैंने लगभग मतलब 20-25 दिन का ब्रेक लिया है अपनी जॉब से, तो बस अब 26 तारीख को एग्जाम हो जाएगा, वापस से वही ड्यूटी शुरू हो जाने वाली है। अब थोड़े ही दिन रह गए, मतलब नेक्स्ट संडे जो है मेरा एग्जाम है, तो प्लीज आप सब लोग मुझे बेस्ट विशेस दीजिएगा मेरे एग्जाम के लिए। तैयारी तो मैं कर रही हूँ, जितनी मुझसे हो जाती है हो पाती है उतनी मैं कर लेती हूँ, बाकी आई डोंट नो कि क्या होने वाला है। तो अभी मम्मी किचन में थी, तो मम्मी जब किचन में होती है तो मैं थोड़ा सा फ्री होती हूँ, तो मैं भी आ जाती हूँ। मैं बचपन में भी ऐसे ही किया करती थी कि मम्मी किचन में काम करती थी तो मम्मी के साथ ही बैठी रहती थी, मैं हाथ जला लेती, बीच में आ जाती कोई कढ़ाई पड़ी हो, कुछ पड़ी हो सब्जी की। एक दिन मैंने कढ़ाई उतारी सब्जी बना के, ऐसे इसने आके देख लिया, इतनी थी हाइट इसकी, मम्मी इसमें क्या बना रही हो, ऐसे करके एकदम पकड़ ली कढ़ाई और पूरे हाथ जला लिए। मेरी शुरू से आदत रही है कि जब मम्मी कुछ भी काम किया करती थी ना, तो मैं मम्मी के इर्द गिर्द ही घुमा करती थी, शुरू से यही आदत है मेरी। तो अभी मम्मी काम कर रही है तो मम्मी को देखने के लिए आई थी, मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली, और मुझे रिलैक्स फील होता है जब भी मैं थोड़ा बहुत स्ट्रेस में होती हूँ या कुछ भी होती हूँ, तो मम्मी के पास ऐसे खड़े होने से ना मेरा फिर स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाता है। और फिर काम भी ऐसे ही सीखा है इसने देख देख के, जैसे मैं मेरी मम्मी के पास बैठी रहती थी तो काम सीख लेती थी देख देख के, ऐसे इसने सीखा मेरे से देख के सब काम। मम्मी काम करवाती नहीं थे एक्चुअली हम लोगों से, बहुत बड़े बड़े हो गए थे हम लोग, काम मम्मी ने कभी करवाया नहीं था। बट जब शादी का टाइम आया, या एक्चुअली मैं होम साइंस की स्टूडेंट रही हूँ,
तो तब वो थोड़ा थोड़ा काम हमने करना स्टार्ट किया था। हाँ, देखते जरूर थे मम्मी को कि मम्मी काम कैसे कर रही है, सारे तरीके हम लोग देखते रहते थे कि इस तरीके से काम किया जाता है, बट मम्मी ने कभी भी फोर्सफुली हमें नहीं कहा कि ये काम तुमने करना ही करना है। तो बस सीखने के पर्पज से हमें जरूर सिखाया, और अभी तक मम्मी खुद ही करती है हमारे सारे काम। मैं कितनी बड़ी हो चुकी हूँ आप देखो, अभी भी मेरा नाश्ता खाना टिफिन सब मम्मी ही अभी भी प्रिपेयर करके देती है। मुझे सुकून मिलता है इसका काम, या किसी का भी काम है, मैं बहू से भी इतना काम नहीं करवाती हूँ, मैं करके दे देती हूँ। वो आती है वहां से क्लिनिक से, तब तक कई काम मतलब कर चुकी होती हूँ मैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग मम्मी से मम्मी की बातें सुनिए, मैं अपने काम लगती हूँ। तो मैगी पसंद है अथक को, और शिप्रा को भी पसंद है, वैसे खानी नहीं चाहिए ज्यादा मैगी, पर बस अभी कुछ नाश्ता लाएगा मेरा बेटा, तो इतनी देर में मैंने कहा तुम लोग नाश्ता थोड़ा बहुत कर लो, क्योंकि पढ़ाई करनी है इसको, और आज क्लिनिक में वो दोनों ही फंसे हुए हैं बहू बेटे, तो पता नहीं कब नाश्ता आएगा, कब पता नहीं, वो भी कुछ नाश्ता करके नहीं गए हैं, तो जब आएंगे तो कुछ लेके आएंगे। तो मैं इसको दोबारा वाली चाय बना के दे रही हूँ, और मैं भी पी लूंगी साथ। चाय पी के पढ़ने चली जाएगी ना, तो फिर ये 2-3 घंटे नीचे नहीं आएगी। तो चाय पीते ही इतनी देर में मैं चढ़ा देती हूँ दाल, 1 पंथ 2 काज हो जाएंगे, चाय पीऊंगी इतने में दाल हो जाएगी। ठक तो तैयार हो रहा है जाने के लिए क्लिनिक, हो गई क्या जागृति तैयार? बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छा होगा। तो थोड़ा सा काम घर का करके हम लोग भी जाएंगे वहां पर, और वहां पर जब जाएंगे तो वहां की वीडियो भी आपसे शेयर करूंगी। जब हम सारी चीजें निकालते हैं और वापस जगह तो उसी वक्त रख देते हैं, तो हमारी किचन नहीं बिखरती है। अब ये जो डब मतलब पैकेट खुल गया है ना, इसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि इससे कैसे बंद करके रखें, तो मैं इसको चिमटे को गर्म करके और फिर इसको बंद कर देती हूँ पूरा, तो इसमें चीटी वगैरह नहीं घुसती है। गरम चिमटा लगा देंगे ना तो इसमें पैकेट बंद हो जाता है। सारा काम मेरा हो गया है, दूध भी गर्म हो गया है, खाना भी बन गया है, बर्तन भी साफ हो गए हैं, आके जमाऊंगी इनको, और अब मैं जा रही हूँ तैयार होके क्लिनिक जा रही हूँ। तो आप भी चलिए हमारे साथ क्लिनिक। तो जा रहे हैं हम दोनों अब क्लिनिक जा रहे हैं तैयार होके, और अभी क्लिनिक से आपको वीडियो दिखाएंगे क्लिनिक की। तो हम लोग पैदल ही निकल गए हैं, पास में ही है क्लिनिक हमारा, बस पैदल ही निकल गए हैं। अंदर तो अभी चल रहा होगा इलाज। हेलो, हाँ मैडम, गुड मॉर्निंग।
हाँ लीजिए अरे फोटो खींचनी है क्या जो बड़े वाले की जो भी प्रॉब्लम है वो आप बता दीजिए उनका तो क्या नहीं है वो आप मेडिसिन है वो सुबह खाली पेट आपको भी एक सीरम देंगे वो आपको इनको तीनों को देना है और आप वैसे बच्चे भी जब थोड़े बड़े हो जाए तो दे सकते हैं उनको उससे कह लो फोटो एकदम अच्छा हो जाएगा अरे बन रही है वापस जा रहे हैं हमने जो देखना था वो देख लिया और अब वापस जा रहे हैं शिप्रा मैं दोनों ही जा रही हूँ